इस वीडियो में सबसे पहले हम दो मासेस का एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करेंगे दो तरीके से। सबसे पहले तो हम किसी एक मास के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास कितना दूर है ये पता करेंगे, फिर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। पहले हम इस सिस्टम को एक्स एक्सिस में रखेंगे, फिर हम इस सिस्टम को आर्बिट्रेरली पोजिशन करेंगे और हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पता करेंगे। फिर हम तीन ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम कंसीडर करेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। फिर हम जनरलाइज्ड वर्जन जो है, जो कि है एन मासेस का एक सिस्टम, उसे कंसीडर करते हुए उसका सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहे मास का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहां पर दिखता है, जैसे कि कोई रॉड हो गया, कोई स्फेयर हो गया, कोई रिंग हो गया, इन सारे केसेस में हमें दिखता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो हम ये भी देखेंगे कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर रहे तो हम किस तरह से सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से हम क्या समझते हैं। सेंटर ऑफ मास से हम ये समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का पूरा मास जिस पॉइंट में कंसेंट्रेटेड है, ऐसा उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, हम उस पॉइंट को कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। अगर हम उस पॉइंट के थ्रू कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन हमें दिखता है, लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें रोटेशनल मोशन भी दिखता है उस ऑब्जेक्ट में। और हमने ये भी देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से भी हम सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं, क्योंकि इस रीजन में जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूं तो इस ऑब्जेक्ट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, हर एक पॉइंट में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैरी नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंट है। तो हम मान सकते हैं इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। हमने ये भी देखा था कि सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट में सिचुएटेड है, या फिर कहें सिचुएटेड है, ऐसा इसका बिहेवियर है, उस पॉइंट के थ्रू अगर उस पॉइंट से पकड़ के हम इसे उठाते हैं तो फिर ये इस तरह से सपोर्टेड रहता है, ये गिर नहीं जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर है, इस जगह पे है। अगर हम किसी दूसरे जगह से इसे उठाने का कोशिश करेंगे तो ये उठेगा नहीं। सो इसका सेंटर ऑफ मास, प्रैक्टिकली कहें तो टेक्निकली ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर हम इस केस में कह सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास भी है इस सिस्टम का। तो यहां पर जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है वो दो मास का सिस्टम है, एक मास और दो मास। और साथ ही साथ यहां पर देखे, ये जो है बीच में एक सेल जैसा जो है, ये जो एक रॉड है पतला सा, ये मासलेस इसे कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि इसका जो मास है रिलेटिवली, इसके और इसके रिलेटिवली ये जो मास है इस एक सेल का, ये बहुत बहुत कम है, तो इसे इग्नोर करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें कि सिर्फ दो मासेस है, पहला मास और ये दूसरा मास। तो दो मासेस के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम इस वीडियो में पता करेंगे कि उसे हम मैथमेटिकली किस तरह से पता करते हैं, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दो तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं, एक तो इसके या इसके रेस्पेक्ट में ये कितना दूर है ये पॉइंट, जैसे कि मान ले यहां से ये एक सेंटीमीटर दूर है और यहां से ये 7 सेंटीमीटर दूर है मान ले, तो हम वो जो डिस्टेंस है या तो इस मास के सेंटर से या फिर इस मास के सेंटर से, उस डिस्टेंस को हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए इक्वेशन हम बनाएंगे। और दूसरा, अगर इन दोनों का पोजिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया रहे, इसका पोजिशन और इसका पोजिशन, और साथ ही साथ इन दोनों का मास भी हमें पता होना होगा, तो इसका पोजिशन और इसका पोजिशन अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता हो तो फिर हम इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे। तो यही है इस वीडियो का हमारा मुद्दा। तो ऐसे स्थिति में जो सेंटर ऑफ मास हम पता करेंगे, इसके लिए आपको एक फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए और वो है टॉर्क। एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है फोर्स के कारण नहीं बल्कि टॉर्क के कारण। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा हो लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो रोटेट करता है टॉर्क के कारण।
तो यहां पर देखिए दो फोर्सेस एक्ट होंगे. तो सबसे पहले तो मैं डेटा यहां लिख दूं, मान ले कि ये m1 मास का है ये ऑब्जेक्ट, और इसका जो मास है ये m2 है. इन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहां एक फोर्स m1g और यहां इस मास पे फोर्स लग रहा है m2g. ये जो है ये पहला वाला जो मास है m1, ये कोशिश कर रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करे. दैट मीन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है इस पूरे सिस्टम को, और ये जो मास है ये चाहता है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करे. दैट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे. तो दो टॉर्क्स क्रिएट होंगे यहां पर, एक तो यहां पर टाउ वन और यहां पर टॉर्क टाउ टू. ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है, बिना गिरे तभी रह सकता है ऐसे, जब इन दोनों टॉर्क्स का मैग्नीट्यूड बराबर है. देखे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, भले ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है m1g और m2g नीचे की तरफ, लेकिन दोनों के कारण जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नीट्यूड को बराबर होना है. जब दो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इस केस में ये इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हम कहते हैं ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है. वैसे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये पॉइंट जो है ये सी है, तो मैं इसे यहां लिखता हूं, ये पॉइंट है सी. अब देखिए टॉर्क क्या है. टॉर्क होता है जिस पॉइंट में ये रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट के थ्रू ये रोटेट कर रहा है, दैट मीन वो पॉइंट है ये. तो अगर मान ले ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम के गिरता है, ये इसे गिराता है, तो ये सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और ये नीचे की तरफ जाएंगे इनिशियल स्टेट में सोचे. लेकिन यहां जो पॉइंट रहेगा, यहां पर जो पॉइंट रहेगा ये सिर्फ रोटेट करेगा, ये इसका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा. तो ये होगा इसका, इस केस में हम कह सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू ये रोटेट करेगा. तो जब टॉर्क हम पता करते हैं, जब टाउ वन हम पता करेंगे, तो ये होगा अप्लाइड फोर्स इनटू इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के थ्रू ये रोटेट कर रहा. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, इसे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाना होगा ऐसे, और इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं. वैसे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से ही पार होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ये जो रॉड है ये बेंट हो गया है, तो इतना मुझे लगता है कि आप कंसीडर कर ही लेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में, तो ये हो गया एक डिस्टेंस, और ये हो गया दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से. सो फोर्स इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन दो डिस्टेंसेस को डी वन और डी टू नाम दिया जाए. तो फर्स्ट केस में जो टॉर्क बनेगा टाउ वन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जो कि है एम वन जी इंटू डिस्टेंस जो कि है डी वन, सो इंटू डी वन. उसी तरह से जो सेकेंड टॉर्क है, सो टाउ टू इज इक्वल टू एम टू जी अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस सो इंटू डी टू. इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर होना है. सो हमने तो पहले ही पता लगा लिया दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में. तो सिचुएशन ये है कि यहां पर इस सी को सेंटर ऑफ मास होने के लिए सिचुएशन ये है कि एम वन जी डी वन इसे बराबर होना है एम टू जी डी टू के. तो यहां से कैंसिल कर दे, ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, और हम कहेंगे कि एम वन डी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू. तो चलिए मान ले हम जो ये सेंटर ऑफ मास पता कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में पता करेंगे, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में, यहां पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यहां पर इसका जो सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में हम पता करेंगे इसे. दैट मीन हम इस डी वन का जो वैल्यू है वो पता करेंगे. तो और एक डेटा यहां पर लिख लिया जाए, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डी. सो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है डी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, दो मासेस के बीच का. तो यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरह से इस डी को इंट्रोड्यूस करना होगा. देखिए डी वन और डी टू है, डी तो है नहीं, तो डी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड में डी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमें पता है डी वन प्लस डी टू इज इक्वल टू डी,
तो उसे इंट्रोड्यूस कर दे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम कुछ ऐड कर देंगे तो यहां पर राइट हैंड साइड में हमें डी मिलेगा। देखे एम वन डी वन और यहां से एम टू डी टू, ये दोनों बराबर थे। यहां पर अगर मैं एम टू डी वन ऐड कर देता हूं तो एम टू तो कॉमन आउट हो जाएगा और डी वन और डी टू यहां जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलके बनेगा डी। तो हमने डी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर जो हमने एम टू डी वन ऐड किया है तो हमें इस साइड में भी वही करना है, एम टू डी वन ऐड करना है। अब आगे यहां से डी वन को कॉमन आउट कर दे तो हमें मिलेगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं एम टू को कॉमन आउट करता हूं सो डी वन प्लस डी टू। इससे आगे डी वन ही हमें पता लगाना था, हमें पता लगाना था ये वैल्यू पहले मास से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास। तो डी वन इज इक्वल टू, यहां से हम इसे एम टू डी कह सकते हैं, सो एम टू डी डिवाइडेड बाय यहां से एम वन प्लस एम टू, सो एम वन प्लस एम टू। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला कि किसी एक मास से, दो मासेस के सिस्टम में किसी एक मास से, उसके सेंटर से, उस मास के सेंटर से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास, जबकि नोन होना चाहिए दो मासेस, साथ ही साथ उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो अब अगर हम M2 के रेस्पेक्ट में इसे पता करने का कोशिश करें, हमें यह पता लगाना है, मान ले कि यहां पर M2 से, यहां M2 से यह कितना दूर है जो कि D2 है, तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे? फिर से नहीं करते हैं सारा इवेल्युएशन, हम सिंपली ये कह सकते हैं, इसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, इस बार अगर हम D2 पता करें तो D2 ये बराबर होना चाहिए, यहां से देखें M1 D तो टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास बड़ा वाला मास के आसपास क्यों होता है। यहां दो मासेस, एक बड़ा एक छोटा अगर हो तो सेंटर ऑफ मास इस बड़े वाले मास के आसपास होता है, ये सेंटर ऑफ मास को अपने तरफ खींच लेता है। ऐसा क्यों होता है, इन दोनों को कंपेयर करके देख ले। अगर हम अभी रेशियो पता करते हैं, यहां पर डी वन और डी टू का अगर रेशियो हम पता करें तो हमें क्या मिलेगा, देखे हमें मिलेगा ये रेशियो बराबर होगा एम टू डी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इज टू एम वन डी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये रेशियो देखे क्या बन गया, सारे टर्म्स कट जाएंगे ऐसे, ये डी और ये डी और यहां पर ये और ये, तो बचा रहा एम टू इज टू एम वन। सो डी वन इज टू डी टू, डी वन इज टू डी टू इज इक्वल टू, सो हम कह सकते हैं D1 और D2 का जो रेशियो होगा वो होगा M2 और M1 के रेशियो के बराबर। इसका मतलब अगर M1 बड़ा हुआ, यहां इस केस में M1 बड़ा है तो D2 बड़ा होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा और ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो बड़ा मास होता है वो सेंटर ऑफ मास को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सेंटर ऑफ मास बड़े मास के आसपास रहता है। तो ये तो दो मास का सिस्टम रहे तो हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं, पर अगर यहां पर दो मासेस का सिस्टम ना होके दो से ज्यादा मासेस हो तो फिर हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। तो दो मासेस का सिस्टम है तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर कर रहा हूं, फिर उससे आगे हम y एक्सिस को भी कंसीडर करेंगे। तो शुरुआत के लिए मैं ये मान के चलता हूं दोनों ही पार्टिकल्स जो है, दोनों ही मासेस जो है वो x एक्सिस में है। सो यहां पर ये हो गया x एक्सिस कुछ ऐसे पार हो रहा है, सो दोनों ही मासेस जो है वो x एक्सिस में है, यहां m1 भी और ये m2 भी, और साथ ही साथ मान ले यहां पर जो है ये जो है ये ओरिजिन है ये। अब इसका जो एब्सिसा है अर्थात एक्स एक्सिस में इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर मैं मान लेता हूं एम वन मास का जो सेंटर है ये एक्स वन में सिचुएटेड है, ये जो पॉइंट है एक्स वन है और ये जो पॉइंट है ये एक्स टू है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि
जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो वैल्यू होगा, यहां पर ये सेंटर ऑफ मास अगर ये एक्स में सिचुएटेड है, ये सी पॉइंट जो है इसका एब्सिसा जो है ये एक्स अगर हो, तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एब्सिसा एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। यहां पर एम वन प्लस एम टू की जगह हर एक जगह पे आप टोटल मास एम कंसीडर कर सकते हैं। अगर अब मैं इस फॉर्मूला को, यहां से इस फॉर्मूला को और पिछले वाले फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूं, तो क्या मैं यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं? चलिए देखते हैं। तो चीजों को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा है कि यहां पर ये जो है ये है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन हो गया, हम सेंटर ऑफ मास पता कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले से आगे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस पॉइंट को x2 ही रहने दे और इसे x ही रहने दे। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं चूंकि x1 जो है वो ओरिजिन है, तो यहां से ये वैल्यू जो है ये जीरो बन गया। सो x जो है ये बराबर हो जाएगा m2 x2। अब देखिए x2 क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये, यही तो टोटल डिस्टेंस d है, टोटल लेंथ d है। सो m2 into d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये x क्या होगा इस केस में, x अगर इस पॉइंट का एब्सिसा अभी है और हमने इस पॉइंट को अगर ओरिजिन मान लिया है, तो फिर ये होगा इससे यहां तक का डिस्टेंस, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि d1 है। हमने यहां पर जो फॉर्मूला बनाया उसके साथ ये पूरा मैच कर जा रहा है। तो ये तो था जब हम दो मासेस के सिस्टम को कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ दोनों को एक्स एक्सिस में ही मान लेते हैं सिचुएटेड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं मानते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों जो सिचुएटेड है वो एक्स एक्सिस में नहीं बल्कि ये रैंडमली सिचुएटेड है, पर जब दो मासेस रहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उसे हम उन दोनों को एक्स एक्सिस में कंसिडर कर लें, हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही ऐसा कंसिडर करें कि एक्स एक्सिस उन दोनों के सेंटर से पास हो, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन तीन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो फिर ये वन डायमेंशनली इन्हें हम सिचुएट नहीं कर पाएंगे हर बार, उन्हें कोलिनियर होना होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो उसके लिए अभी से कंसिडर कर लेते हैं कि ये दोनों एक्स एक्सिस में सिचुएटेड नहीं है। तो कुछ सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा है इस केस में, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, सो ये वाई और ये एक्स, ये निगेटिव वाई और ये निगेटिव एक्स, दो पॉइंट्स यहां पर, मान ले ये पॉइंट है टू वन, यहां पर एक मास सिचुएटेड है, यहां पर मास सिचुएटेड है एम वन और ये जो पॉइंट है ये है टू वन, सो टू कोमा वन। और एक जगह पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये है सिक्स फाइव, सो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है सिक्स कोमा फाइव, सो यहां से सिक्स कोमा फाइव और यहां पर जो मास सिचुएटेड है ये है एम टू, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमें कंसीडर करना होगा। तो यहां पर देखें सिर्फ हमें एक्स वैल्यू ही नहीं मिलेगा इसके, इसमें वाई वैल्यू भी मिलेगा, आई मीन जो भी पॉइंट होगा जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पर मान ले सेंटर ऑफ मास बन रहा है तो इसका एक ऑर्डिनेट होगा एक एब्सिसा होगा, तो दोनों ही चाहिए, वाई वैल्यू एक्स वैल्यू दोनों ही चाहिए। तो यहां से हम दोनों को अलग अलग कंप्यूट करेंगे। तो मैं चीजों को थोड़ा इक्वेशन जैसा दिखे उसके लिए मैं इसे लिख देता हूं, जो ये 2,1 है ये है एक्स वन कोमा वाई वन और ये है एक्स टू कोमा वाई टू, आगे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे यहां पर। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो x वैल्यू है जो भी पॉइंट है यहां पर जो सेंटर ऑफ मास बनेगा, मान ले यहां पर बन रहा, और इस सेंटर ऑफ मास के लिए जो इसका कोऑर्डिनेट्स है ये है x कोमा y, तो यहां पर हम कहेंगे कि x x जो है
ये बराबर होगा किसके, देखिए दो बॉडी का सिस्टम है, यही वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, और ये जो y होगा इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का जो ऑर्डिनेट है, ये जो y है ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए इसी तरह का इक्वेशन बनेगा, वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स के मदद से दो पॉइंट्स या दो मासेस जो कि सिर्फ एक एक्सिस में सिचुएटेड नहीं है, आर्बिट्रेरली एक प्लेन में सिचुएटेड है, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। अब मान ले ये तो हो गया टू मासेस सिस्टम, इसके लिए हम कैसे सेंटर ऑफ मास पता करेंगे, अब चलिए थ्री मासेस सिस्टम, थ्री मास सिस्टम जो है उसके लिए सेंटर ऑफ मास। तो अब एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट पे एक और मास, तो यहां पर जो मास है ये m3 है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये है x3 कोमा y3। तो यहां से पिछले इक्वेशन की तरह ही ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा अब ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा, यहां नहीं रहेगा, ये शिफ्ट करके थोड़ा इस m3 की तरफ थोड़ा ही सही जाएगा, सो यहां पर ये पहुंचेगा। सो अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, सो सबसे पहले एब्सिसा ये बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इसे आप टोटल मास भी कह सकते हैं सिस्टम का। और उसी तरह से जब हम पता करेंगे इसका जो ऑर्डिनेट होगा ये होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फिर इससे आगे जनरलाइज्ड वर्जन में हम क्या कहेंगे, अगर सिस्टम बहुत सारे मासेस का हो, सो फॉर n नंबर ऑफ मासेस, कितने मासेस है, n मासेस है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100,000 मिलियन बिलियन कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह के सिचुएशन में इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एब्सिसा होगा पहला मास इंटू उसका जो एब्सिसा है प्लस दूसरा मास इंटू उसका जो एब्सिसा है प्लस, इस तरह से सबको कंप्यूट करना होगा, और n नंबर का पार्टिकल जो है उसका मास इंटू उसका जो एब्सिसा है डिवाइडेड बाय टोटल मास लिख देते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए एक बार मैं लिख लेता हूं m1 प्लस m2 प्लस इस तरह से m n को सभी को जोड़ना है, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे अगर आप देखें तो ये कैपिटल लेटर m से डिनोट अगर करें टोटल मास सिस्टम का, तो यहां से इसे कॉमन आउट कर लेते हैं, सो वन ओवर टोटल मास इंटू समेशन ऑफ किसका समेशन, इसका समेशन, सो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, जहां की आई का वैल्यू होगा वन से लेके एन तक। उसी तरह से जब इसका हम उस सेंटर ऑफ मास का जब हम ऑर्डिनेट पता करेंगे तो उसे कहेंगे वन ओवर टोटल मास इंटू समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई, और आई का वैल्यू होगा फ्रॉम वन टू एन। तो ये हो गया जनरलाइज्ड वर्जन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब देखें हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट्स पता करें, छोड़िए कोऑर्डिनेट्स नहीं, अगर उस पोजीशन वेक्टर को पता करें सेंटर ऑफ मास का, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लूंगा, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, सो यहां पर ये वाई, ये नेगेटिव एक्स है, ये एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। सो दो जगह पे मैं मासेस कंसीडर कर रहा हूं, एक तो यहां पर एम वन मास और यहां पर एक और जगह पे मान ले यहां पर ये एम टू मास है।
तो चलिए एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेता हूँ। ये पॉइंट जो है ये x1 y1 है और ये पॉइंट है x2 y2 एज यूजुअल, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास मान ले कहीं यहाँ पर है, और सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट्स देखें x कोमा y है। अगर मैं इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं पोजीशन वेक्टर से, तो फिर इस m1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा कुछ ऐसा होगा, आप चलिए मान लेते हैं r1 वेक्टर, r1 है ये, और m2 जिस पॉइंट में है उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर r2 है, और ये जो है सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है। तो हम सिंपली कह सकते हैं यहां से कि वेक्टर r इज इक्वल टू वन ओवर m, देखिए कुछ इसी तरह का इक्वेशन होगा, इन टू समेशन ऑफ एम आई आर आई, और i का वैल्यू होगा जीरो से लेके n तक, इस केस में n का वैल्यू टू है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या बनता है। तो यहां इस केस में i का वैल्यू टू है, तो हम कह सकते हैं वन ओवर m को चलिए कॉमन आउट कर लेते हैं, और इसका मतलब बन गया m1 r1 प्लस m2 r2। ओके, सो फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 ओवर m इंटू m1 इंटू, देखा r1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर, यहां पर ये जो r1 है ये क्या है, देखिए r1 ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1 कोमा y1, तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां से देखिए यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर और यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये x1 होगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड y1 होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको x एक्सिस के अलोंग x1 चलना होगा, इसीलिए यहां पर इसका जो एक्सिस है वो x1 है, और y एक्सिस के अलोंग आपको y1 चलना होगा, इसीलिए इसका ऑर्डिनेट y1 है। तो इन दोनों वेक्टर्स का, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर एडिशन है r1, तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, देखें हम कहेंगे यहां पर x1 इंटू आई कैप, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है ये आई कैप का डायरेक्शन है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और यहां पर लगा दे इस डायरेक्शन में j कैप। तो हम कह सकते हैं ये जो वेक्टर है ये है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो अगर मैं यहां पर इसके जगह इसे पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए m1 के साथ मल्टीप्लाई करना है r1 को, सो m1 के साथ ये और फिर ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा, सो m1 x1 i कैप प्लस m1 y1, सो m1 y1 j कैप। तो हमने कर दिया इसे मल्टीप्लाई उसी तरह से, सेम उसी लॉजिक से r2 के जगह हम कह सकते हैं यहां पर कि जो r2 है एज वेक्टर, ये r2 ये बराबर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहां पर उसी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा प्लस m2 x2 i कैप प्लस m2 y2 j कैप। तो फिर हम जब जोड़ेंगे, हमें पता है जोड़ते हुए हम i कैप के साथ i कैप को ही जोड़ सकते हैं, मतलब i कैप का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यहां पर, उसे मुझे मैग्नीट्यूड कहना चाहिए था, ये जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का और यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को ही जोड़ सकते हैं और j कैप वाले के साथ j कैप को जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ के देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां हो गया 1 ओवर m इंटू, तो यहां से i कैप को कॉमन आउट करें तो ये दोनों जुड़ जाएगा, सो m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप प्लस यहां से m1 y1, m1 y1 प्लस यहां से m2 y2, y2 और यहां से j कैप। तो ये हो गया ये पूरा का पूरा वेक्टर r। सो वेक्टर r जो है यहां से आप देखिए इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर r के लिए ये हो जाएगा एक वेक्टर x i कैप और ये एक वेक्टर हो जाएगा y j कैप। तो आप सिंपली कह सकते हैं ये जो है
ये यहीं लिख लेते हैं, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम इस एक्स आई कैप के जगह हम कह सकते हैं 1 ओवर एम इंटू ये, और वाई जे कैप के जगह हम कह सकते हैं 1 ओवर एम इंटू ये। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिला, एक्स आई कैप इज इक्वल टू, एक्स क्या है, सेंटर ऑफ मास का एब्सिसा है, इज इक्वल टू 1 ओवर एम इंटू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू आई कैप, क्योंकि आई कैप के साथ आई कैप ही मैच कर सकता है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये जिस डायरेक्शन में है जे कैप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसके साथ ये मैच्ड होगा। तो फिर यहां से सिंपली अगर इस आई कैप को काट दे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू, मिला के देख ले, यहां से एक्स इज इक्वल टू, यहां कैपिटल एम क्या था, स्मॉल लेटर एम वन प्लस स्मॉल लेटर एम टू। उसी तरह से आप अगर इन दोनों को मैच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वाई जे कैप जो है ये होगा 1 ओवर कैपिटल एम इंटू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू इंटू जे कैप, यहां से जे कैप और जे कैप जो है ये कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा जो फॉर्मूला हमें पहले मिला था। तो इस तरह से ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। सो इस वेक्टर नोटेशन से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को। यहां हमने सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसे पता किया है। इसी तरह से जब मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे कि पिछले केस में था डिस्टिंक्ट जगहों पे मास था, यहां पर डिस्टिंक्ट जगहों पे मास नहीं रहेगा बल्कि हर जगह पे मास रहेगा, यहां भी मास रहेगा हर जगह पे, ये पूरा का पूरा जो स्पेस है हर जगह पे मास है, जैसे कि एक रॉड मान ले। तो इस तरह के केसेस में हम समेशन यूज नहीं करते हैं। पिछले केस में क्या था, देखे पिछले केस में हर एक केस में डिस्टिंक्ट जगहों पे मास था, यहां था और यहां था, बाकी जो स्पेस है ये खाली था। लेकिन इस केस में जब कि पूरा का पूरा स्पेस मास से भरा हुआ होगा, जैसे कि ये एक रॉड है मान ले, इस तरह के केसेस में हम समेशन यूज नहीं करते हैं बल्कि इस तरह के केसेस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सो फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, मास का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जैसे कि यहां पर एक रॉड मान ले या डिस्क मान ले, रिंग हो, कुछ भी, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाएं तो वो आपको वहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ही दिखेगा। तो इस तरह के केसेस में जब सेंटर ऑफ मास पता करते हैं तो उसका जो एब्सिसा होता है उसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं 1 ओवर कैपिटल एम, पिछले फॉर्मूले के साथ आप इसे कंपेयर कर लें, और यहां पर समेशन न लगा के हम अब इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आगे के वीडियोस में हम जब पता करेंगे अलग अलग शेप्स का जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा तब हम इन फॉर्मूलों को इंटेंसली यूज करेंगे। सो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी तरह से मैं पिछले केसेस में जेड एक्सिस को भूल गया था, तो यहां पर चूंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इस केस में हमें जेड एक्सिस भी चाहिए होगा। सो ये कुछ ऐसे हम उसे पता करते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को, और यहां पर हम समेशन के जगह इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो पिछले जो एग्जांपल था, पिछला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वहां भी आप जेड एक्सिस के लिए फॉर्मूला खुद से डिराइव कर लें। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास है उसे पता करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।